ये सफीर है, ये बदरे मुनीर है, ये रोशन दिमाग है, ये रोशन जमीर है, ये इनकी वफाएं प्यारी, इनकी अदाएं प्यारी, इनकी सदाएं प्यारी, इनकी दुआएं। किन से यारी तूने लगाई अल्लाह अकबर, जिन्होंने तेरे पास पैसे की चमक को देखा। हर कोई यार बन जाता है, आज पैसा दोनों हाथों में लेके निकल, कुत्ता भी तेरी पीछे लग जाएगा। अल्लाह अकबर, यारी का तो उस वक्त पता लगता है जब जेब में चाय पिलाने के पैसे ना हो। खुदा पाक की कसम है, फरमाए इंसान को अगर अपनी औकात मालूम करनी हो तो अपना जिस इलाके में रहता हो वो इलाका छोड़ के देख ले, दूसरा किसी से कर्जा लेके देख ले, अल्लाह जल्ला शानू तीसरा मर के देख ले, इंसान को अपनी औकात का पता लग जाएगा। कितनी मेरी इज्जत है। सगा यार जो हासिलपुर में ईद के दिन एक रंग के कपड़े पहन के फिरा करते थे, फलाने का यार है, ये सगा यार तेरे जनाजे को कंधा दे के रो के दिखाएगा। लेकिन जब तेरे जनाजे से कंधा हटाएगा, दूसरों को हाथ का यूं इशारा कर करके बतलाएगा, इतनी मैयत भारी है, पता नहीं कौन से गुनाह का बार कब्र में लेके जा रहा है। आज तेरे बच्चों को, तेरी बच्चियों को कहता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आज कहता है यार जिगरी यार है तेरे पर, बच्चे कुर्बान कर दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जवानी में मर के देख ले, यही तेरा यार तेरी बीवी पर सबसे पहले उंगली उठाएगा। हालात नाजुक हैं, नजर नहीं तुम्हें आता। इसीलिए अपनी यारियों को महदूद रखो, अपनी बैठकों तक अपनी यारियों को लेके ना हो। अल्लाह अकबर, अपनी दुकानों तक अपनी यारियों को रखो और कह दो यार हम गैरत वाले लोग हैं, गैरत की तेरे अंदर भी कमी नहीं, लेकिन मैं उस माँ की गोद में खेल के आया जिस माँ ने कभी दरवाजे पे खड़े होके सब्जी वाले को मुनी दिखाया। हमारे घर की लाइटें जल्दी रात को बंद हो जाया करती थी ताकि हमारे घर में चलने वाली का साया भी दीवार पर ना पड़े। भाई चाय पी ले, खाना खा ले, खिलाऊंगा, लेकिन मेरे खानदान की गैरत तुझे मेरी बैठक में बैठने की इजाजत नहीं दे रही है। नाराज ना होना, मैं खुड़ी खुड़ी सी बातें करके जा रहा हूं, ये तो आप हजरात से राव इरफान से दगाबाजी है कि इनके आऊं, खाना भी खा के जाऊं, चाय भी पी के जाऊं, टांगे भी दबवा के जाऊं, पैसों का लिफाफा लेके जाऊं, तब मैं दो नंबरी बात करके जाऊं। अल्लाह ने मुझे माशरे पर बोलने के लिए, अल्लाह ने क्या पता कबूल फरमा दिया, अल्लाह ने लोगों की दुख की रग पर हाथ रखने वाला मुझे बना दिया। यकीन जानो सुमैया की सीरत बतलाने वाले तो सारे नजर आए, घर के अंदर बेटी को सुधारने वाला और सुधारने की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता है। जब मस्जिद के खतीब का मियार यह बन जाए कि इंतजामिया को देख देख कर अल्लाह का दीन बयान करेगा, खुदा पाक की कसम है उस हाल में दिल को नबी के पाक मिंबर पर अपना नापाक वजूद रखने की कोई जरूरत नहीं, उतर जाए वो। मौली साहब अल्लाह का दीन हक बयान करो, और जी मेरी इंतजामिया ने मुझे रोका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे पहले तुझे पकड़ेगा। चार मस्जिद की इंतजामिया के बंदों को सुधार ना सका, इस मिंबर पर बैठ के पूरे आलम की फिक्र कर रहा था। अल्लाह फरमाएंगे तेरे बोल के अंदर तो बड़ी सोजी सी, लेकिन तेरे दिल के अंदर खुदनुमाई फूल रही थी। दबाओ जा मैदान माशर में मेरे सामने से, मेरे सामने आज तू क्या लेने के लिए आया है। हम तो पहले ही चाहते हैं अवाम ना आए 20 मिनट के अंदर, इंतजामिया मसाजिद की कोई मिंबरान बैठे हो उनके आगे हाथ जोड़ूंगा, अपनी मस्जिद के इमाम साहब को कहो खुदा के वास्ते इमाम साहब कम से कम पौन घंटा आप तकरीर करें, और आप उस तकरीर के अंदर बयान किया करें कि अल्लाह अकबर रोजमर्रा जिंदगी के अंदर अल्लाह का दीन हमें किस चीज की इजाजत दे रहा, किस चीज से पाबंद कर रहा है। और आप हजरात को तो मैं सलाम करता हूँ, खुदा की कसम है मस्जिद के अंदर लिखा हुआ है खुतबा जुमा 1 बजे होगा, 12:30 बजे अजान होगी, लेकिन 1:45 बजे से पहले खुदा के घर में आने की हमें तौफीक ही नहीं मिलती है, आते ही नहीं, बातें करते रहेंगे।
छह दिन के बाद सातवें दिन अल्लाह के घर में आए, वो भी 15 मिनट के लिए। अल्लाह अकबर, जो 15 मिनट पूरे हफ्ते में प्रॉपर तरीके से अल्लाह को नहीं दे सकता, उसे 8 दिन का सुबह दोपहर शाम अल्लाह से रिजक मांगने की कोई इजाजत नहीं है। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जब जुमे का दिन हो जल्दी मस्जिद में आया करो, अपना खतीब जिस मिंबर पर बैठ के अल्लाह का दीन बयान कर रहा हो उस मिंबर के इर्द गिर्द बैठ जाया करो और अपने खतीब के चेहरे पे आंखें यूं खोल खोल के देखा करो। अल्लाह अकबर, ये बेअदबी नहीं होगी? बड़ों को आंखें फाड़ फाड़ के देखना। मदनी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मेरा रब कह रहा है जो अपने खतीब को जुमे के दिन जितने करीब से देखेगा कयामत के दिन मैदान महशर में उतने करीब से अल्लाह अपने बंदों को दीदार कराएगा। अजीब अजीब, इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, करीब कर देंगे तुम्हें अल्लाह से। छोड़ दो मेरे अजीजों पैसे की तमा, अल्लाह कोई कसम जो बनी गाला में रोटी का साइज है वही साइज कर, वही रोटी का साइज तेरे मेरे में घर में है। जब खा नहीं दो हैं तो 10 रोटियों की जुस्तजू में क्यों अपनी जवानी को बुढ़ापे को कपा रहा है? फरमाया मेरे बंदे कितना तू अहमक है, साइंस तुझे समझ आ गई, अंग्रेजी तुझे समझ आ गई, टेक्नोलॉजी तुझे समझ आ गई, अलजबरा तुझे समझ आ गया, अरबी फारसी तुझे समझ आ गई, नहीं समझ आया दो हरफी बात तेरी समझ में आई नहीं आई, मैंने कुरान में ऐलान कर दिया ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हारे से रिजक कमाने का सवाल ही नहीं करते, रिजक हम तुम्हें देंगे, ये बात तेरी समझ में नहीं आई। इतना निकम्मा, सुबह सुबह निर्णाकाल जो उठता है शाम तक कमा कमा के थक जाता है। ओ बंदे, जिस रिजक के पीछे भाग रहा है अल्लाह की कसम उस रिजक को तो हमने तुझे देने का वादा कर लिया है। ओ आदम के बच्चे, या इब्ना आदम, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया? क्यों अपनी जान को रिजक के चक्कर में खपा रहा है? मुझे मेरी किबरियाई की कसम है आखिरी लुकमा भी तेरा नहीं बचाऊंगा, मौत से पहले पहले वो भी तेरे मुंह में डालूंगा। इलाहुल आलमीन रिजक कमाने के लिए नहीं भेजा, कपड़े बनाने के लिए नहीं भेजा, दुनिया की फिक्र करने के लिए नहीं भेजा, फिर मुझे अल्लाह मेरे बता तो सही दुनिया में मैं किस लिए आया? पढ़ो कुरान, सुनो अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाता है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। सुबह सुबह ओ मेरा बंदा मेरे घर में आकर सजदा करके मुंह दिखाना तेरा काम है, आसमानों से 24 घंटे के रिजक के फैसले कर देना मैं खुदा का काम है। राव शरीफ साहब उलमाए इकराम ने फरमाया सुबह फजर की नमाज के बाद चिड़ियों का तारों पर आकर तुम्हारे घरों में बैठ जाना, तुम्हारी दीवारों तुम्हारे मुंडेर के किनारों पर आकर बैठ जाना, चिड़ियों परिंदों के आने से पहले उठ जाया करो। अगर तुम्हें चिड़ियां ये परिंदे ये बुलबुल ये कोयल तुम्हें बिस्तर पे पड़ा नमाज के बाद सोता देखती हैं तो ये चिड़ियां भी अपने परों को हिला हिला कर तुम्हें सोता देख के अल्लाह की लानत करके चली जाती है। क्या सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रहमत दो आलम ने नहीं फरमाया था ऐ मेरी फातिमा फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक मैं मुहम्मद तुझे इजाजत नहीं देता, तो मुसल्ले से उठ के बिस्तर पे चली जाया कर, जो तेरे मुंह में अल्लाह का जिक्र आए पढ़ना शुरू कर दिया कर। ऐ मेरी फातिमा अल्लाह जल्ला शानू रिज़क के सुबह सुबह दरवाजे खोल देता है, जानवर परिंदों से लेकर तमाम इंसानों में सुबह सुबह अल्लाह रिज़क तकसीम कर देता है। जिसके घर के दरवाजे सुबह 10 बजे खुलेंगे, जो 11 बजे बाजार में दही ढूंढता फिरेगा और लोगों को पता लग रहा होगा
इसके दाएं कान में फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से, बुखारी शरीफ की हदीस है, कभी पेशी अल्लाह माँ फरमावे, फरमाया सुबह सूरज निकल गया और ये बिस्तर पर पड़ा सोता रहा, शैतान इसके दाएं कान में पेशाब करके चला जाता है। वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती जो रात को जल्दी सो जाए और सुबह उठ जाए, उस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मेरे दाएं बाएं उलमाए इकराम बैठे हैं, पूछो तो सही, ईशा की नमाज के बाद फौरन सोने का हुक्म क्यों है? इलाउल आलमीन रोटी खाऊं फरमाया पहले खा ले, दूध पीऊं फरमाया पहले पी ले, इलाउल आलमीन क्यों? फरमाया इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो जाया कर, ताकि तेरी फजर कजा ना हो, ताकि तेरी तहज्जुद कजा ना हो। परवरदिगार आलम मेरी आदत है 12-12 बजे अल्लाह अल्लाह करने की, मेरी आदत है 4-4 घंटे अल्लाह अल्लाह करने की। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे 12 बजे तक अल्लाह अल्लाह करता रहता है, क्या तुझे तहज्जुद फजर नसीब होती है? या अल्लाह वो तो होती कोई नहीं। फरमाया फिर 4 के बजाय 5 मिनट मेरा जिक्र करके सो जा, तुझे फजर की नमाज मिल जाएगी, सारी रात तुझे इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। एक एक इंशाल्लाह बात हदीस पाक के साए में बैठ के कहूंगा, वो नेक अमल जो आपकी फजर की नमाज कजा करवा दे, वो नेक अमल जो आपकी तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकातें छुड़वा दे, खुदाए पाक की कसम है मेरे नबी की लाया हुआ दीन उस ऐसे नेक अमल करने की भी इजाजत नहीं दे रहा है। जल्दी सोच लो, सुबह फजर की नमाज में 5 रुकू की सूरह यासीन पढ़ने का हुक्म है, रात को ईशा के बाद 2 रुकू की सूरह मुल्क पढ़ के सो जा। मेरे बंदे हमने अपने कुरान की तिलावत को भी मुख्तसिर कर दिया, जब हमने अपने कुरान की तिलावत को मुख्तसिर कर दिया, तुझे 12-12 बजे तक पाकिस्तान की झूठे खबरें सुनने की इजाजत किसने दे दी है? क्या ये अच्छा होता सुबह सुबह उठते सारे तहज्जुद में अल्लाह से अलहदा अलहदा मुलाकातें कर रहे होते, जोहर की नमाज में आया या अल्लाह मुझे ये चाहिए अच्छा मिल जाएगा, असर में आया अल्लाह मुझे ये चाहिए, मगरिब में आया अल्लाह मुझे ये चाहिए, ईशा में आया अल्लाह मुझे ये चाहिए, तहज्जुद की नमाज में जा आके अल्लाह के आगे मुसल्ले पर बैठ जा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे बता तुझे आज क्या क्या चाहिए, ऐसी नमाज है। फरमाया इतनी बरकत वाली इतनी लाडली नमाजों में लाडली नमाज है। फरमाया जब पढ़ने वाला तहज्जुद के सजदे करता है ये इतनी लाडली नमाज है, जब तक अल्लाह से पढ़ने वाले के मसले हल ना करवा दे तहज्जुद पढ़ने वाले को मुसल्ले से उठने ही नहीं देती है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिलबर में, हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना, जिस नींद में यार का दीदार ही ना हो उस रात को लंबे लंबे सोने का फायदा कोई नहीं।